नमस्कार, अब वक्त हुआ है प्राइम डिबेट का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज का मुद्दा है जेजेएम में करप्शन, सियासी टेंशन। दरअसल पिछली सरकार के कार्यकाल में जल जीवन में करोड़ों रुपए के कथित घोटालों पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने जल जीवन मिशन से जुड़ा सवाल लगाया था, सवाल का जवाब पूछा था, और इस सवाल का जवाब जब पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने दिया तो उन्होंने कहा पूर्ववर्ती सरकार, यानी इससे पहले की सरकार, यानी इससे पहले की कांग्रेस की सरकार के वक्त में जमकर करप्शन हुआ। इसी दौरान गहलोत राज में हुए भ्रष्टाचार का जिक्र होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के दौरान जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पाप किया है तो सुनने की क्षमता भी रखो। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि सिर्फ पिछली सरकार पर दोषारोपण किया जा रहा है, यह रवैया ठीक नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर मंत्री जी, किसी तीसरे को अनुमति नहीं है। विधानसभा में गूंजा जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मुद्दा, कांग्रेस बीजेपी में जमकर हुई नोकझोंक। उत्तर मंत्री जी, किसी तीसरे को अनुमति नहीं है। पीएचईडी मंत्री बोले, जितना भ्रष्टाचार हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। पिछली सरकार में जितना घोटाला हुआ शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ, जो जल जीवन मिशन के अंदर। पीसीसी चीफ ने कहा सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रकार का वातावरण बना करके दोषारोपण कर रहे हैं सरकार के ऊपर, वो मैं समझता हूँ कतई उचित नहीं है। जेजेएम में करप्शन, सियासी टेंशन, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराते हैं उनका एक एक करके। आशीष चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आशीष जी आपका। आशुतोष रावत साहब वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत। हमारे साथ राजीव जैन जी जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। कांग्रेस से भी हमारे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन जब वो जुड़ेंगे तो परिचय कराएंगे, उनसे सवाल करेंगे, बातचीत करेंगे। शुरुआत आशीष चतुर्वेदी जी आपसे, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्री उसका जवाब देते हैं। आज प्रश्न आप ही की पार्टी की तरफ से जसवंत यादव जी ने पूछा, और फिर उसके जवाब में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में जल जीवन मिशन में जितना घोटाला हुआ उतना कभी नहीं हुआ। इन्होंने जमकर लूट मचाई, यानी पिछली कांग्रेस सरकार ने जितनी लूट इन्होंने मचाई उसकी परतें सामने आ रही हैं। इन्होंने लूटा तो लूटा, जल जीवन मिशन में राज्य 33वें नंबर पर आ गया। अब कांग्रेस का यह कहना है कि बस आप दोषारोपण कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रदेश के लोग आपसे जानना चाहते हैं, सरकार आपकी है, दोषारोपण इसको माना जाए, क्या कोई दोष अभी सिद्ध हो गया है या अभी आरोप के ही हवाले से यह बड़ी बात कही जा रही है? रविंद्र जी, मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था और उसमें जो मंत्री महोदय ने कहा है कि जेजेएम में जितना भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहता हूँ रविंद्र जी। केवल जेजेएम ही नहीं, जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी वो राजस्थान के इतिहास की भ्रष्टतम सरकार थी। चाहे मैं भी अपने सवाल में सर करेक्शन करना चाहता हूं, मैं भी अपने सवाल में करेक्शन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने पिछली सरकार के किस किस भ्रष्टाचार में अभी तक आरोपियों को दोषी करार दे दिया है और उनको जेल भेज दिया है, बताइए अब सर। देखिए रविंद्र जी, सरकार को बने हुए अभी 40 दिन हुए हैं, आप मान के चलिए चाहे माइनिंग का स्कैम हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे यूडीएच में हो और चाहे पीएचडी में हो, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और ये फैक्ट है ना, देखिए जब हम चुनाव में गए तो हमने भ्रष्टाचार को एक प्रमुख मुद्दा उठाया। देखिए रविंद्र जी, जो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और जिस तरह से यहाँ पे पानी की स्केयरसिटी है, हमने माताओं बहनों को जिस तरह से 5-5 किलोमीटर दूरी से जल लाते हुए देखा है, वो सारे दृश्य आपके और हमारे सबके सामने हैं। मतलब पानी जैसी चीज में जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। देखिए आशीष जी, फिर आप कहेंगे मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, देखिए मुझे आप ये बताइए ना, कोई ठोस अभी तक कार्रवाई, कोई ठोस अभी तक? रविंद्र जी कार्रवाई तो चल रही है, मैं वही तो कह रहा हूं, आप बताइए ना क्या जिस आधार पर सदन में माननीय मंत्री इस बात को रख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई ये तो दोषारोपण है, बस आप पिछली सरकार के ऊपर दोष दे रहे हो। चल रहा है
करोड़ों मिला नहीं मिला मुझे आप बताइए। रविंद्र जी मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए ना। रविंद्र जी बोले बोले। सरकार थी, छापेमारी हुई, ईडी ने इस पे कार्रवाई की जी, करोड़ों रुपए इनसे बरामद हुए हैं, ठीक है बिल्कुल, 20,000 करोड़ के टेंडर हुए, उस टेंडर में अनियमितता हुई है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा इनके सरकार के दौरान कहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि टेंडर के दौरान भारी अनियमितताएं की गई, 40% से ऊपर हायर रेट पर जो है इन्होंने टेंडर दिया, शर्तों को जोड़ा गया, शर्तों को हटाया गया मनमानी तरीके से, तो ये तो फैक्ट है ना, ये सब पब्लिक डोमेन में है। अब सरकार आई है तो सरकार सारी चीजों की जांच करेगी जी। रविंद्र जी हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, जिस तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम किया जी, आप देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सीबीआई की एंट्री राज्य में बंद कर दी हाँ। कि सीबीआई राज्य में आ नहीं पाए, ताकि इनके मंत्री, इनके जो अधिकारी हैं, उनको खुल्लम खुल्ला लूट की छूट मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते से क्या किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते से ही जिससे राजस्थान त्रस्त था, हमने दो मुद्दों को लेकर के एसआईटी गठित की, पेपर लीक को लेकर के एसआईटी गठित की, हमने गैंगस्टर को लेकर एसआईटी गठित की, फिर हमने सीबीआई की जो परमिशन थी जो इन्होंने विड्रॉ की थी, हमने उसको स्वतः ही परमिशन दी कि सीबीआई राजस्थान में आकर के जांच कर सकती है। तो हमारी तो जो दृष्टिकोण है एकदम स्पष्ट है, क्लियर है कि हम पारदर्शी तरीके से सरकार चलाएंगे, और ये फैक्ट है जी। कांग्रेस को सजा मिली है ना, जो भ्रष्टाचार किया है आप देखिए, भाई इन्होंने ये बताइए ना, इन्होंने जलदाय मंत्री को टिकट क्यों नहीं दिया बताइए आप। नहीं तो आप ठीक है, वो तो खैर एक अलग विषय है, जलदाय मंत्री को कथित भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से नहीं दिया, या वो जो 25 सितंबर वाली घटना थी उस वजह से नहीं दिया टिकट, ये तो 25 सितंबर में तो शांति धारीवाल को मिला है। अरे रविंद्र जी, शांति धारीवाल को टिकट मिला है। सीबी यादव साहब भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। यादव जी बहुत बहुत स्वागत आपका यहां पर। चर्चा तो पीएचडी मंत्रालय में हुई गड़बड़ियों को लेकर, और आज जो सदन में हंगामा हुआ और कहा गया गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कि ये दोषारोपण कर रही है सरकार, है नहीं उनके पास कुछ भी। और यहां आशीष जी तो कह रहे हैं सिर्फ पीएचडी विभाग नहीं, यूडीएच देख लीजिए, हेल्थ देख लीजिए, माइनिंग देख लीजिए, सबकी परतें खुल रही हैं, और आजादी के बाद इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ पहले। यादव जी दो बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। आजादी के बाद भ्रष्टाचार की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है भारत सरकार की, 2014 में भ्रष्टाचार का सूचकांक, और आप पत्रकार लोगों को भी इसको सामने लाना चाहिए, और 2023-24 में भ्रष्टाचार का सूचकांक में क्या स्थिति है, इससे पता लग जाएगा कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस सरकार के अंदर हुआ है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, इनके पास आज कोई सरकार बनने से क्या है, इनके पास तो एजेंसियां तो वो सेंटर की है, ईडी सीबीआई ये तो पहले भी थी भाई, इनके पास सरकार आने का इंतजार थोड़ी करना था, इनके पास अगर यही सारी चीजें तो पहले भी थी। अगर नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई की एंट्री तो बंद कर दी थी ना पिछली सरकार ने, नहीं वो सीबीआई को तो आने नहीं दे रहे थे, भ्रष्टाचार को सामने नहीं लाया, मतलब आपकी एजेंसियां फेल हो गई है, यही मतलब हुआ इसका मतलब। तो अब क्या जांच करेंगे एसआईटी का, आपके पास एजेंसियों की पहले क्या कमी थी, तो आप तो हर बात में जब चुनाव आते हैं तब आपके आपकी ईडी आ जाती है, आपकी सीबीआई आ जाती है, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाते हैं, तो जो एजेंसी है, तो जब भी कभी भ्रष्टाचार के या करप्शन का मुद्दा होता है तो हम क्या कहते हैं, मुझे एक चीज बताइए, इस मामले को ईडी को दो, जो अभी तक जांच हुई है उसकी रिपोर्ट में, एक मिनट सर, एक मिनट, उसमें जो खुलासे हो रहे हैं कि पानी की पाइपलाइन कागजों में थी, जमीन में नहीं उतरी, जांच में कई जगह पानी की पूरी पाइपलाइन ही गायब मिली, लोहे की जगह प्लास्टिक की घटिया पाइपलाइन का इस्तेमाल हो रहा था, जयपुर के तुंगर अमरसर में साफ तौर पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ, दो कंपनियों पर 1,000 करोड़ के घोटाले का इसमें आरोप लगा, फर्जी दस्तावेज के आधार पर वर्क ऑर्डर ले लिए, जो कंपनी ने कहा नियम जो शर्तें रखी वही नियम शर्तों के आधार पर उनको टेंडर दे दिए गए, घोटाले के जरिए इस तरह से करने के आरोप लगे कि फर्जी ईमेल आईडी और प्रमाण पत्र बनाकर कर दिए गए, तो ये जो तथ्य है इनको आंख मूंद कर कैसे बैठा जा सकता है। क्या ये आरोप जो लग रहा है कि आप नहीं चाहते कि सीबीआई से इसकी जांच हो, इसीलिए हो हल्ला हो रहा है, तो ये तो जग जा ही रहना, ये सारे मामले अगर बीजेपी के नेताओं की तरफ खोलने लग जाए या बीजेपी की सरकार की तरफ खोलने लग जाए तब क्या हो, क्या उदाहरणों की कमी है क्या, आज तक कम से कम 50 एग्जाम्पल ऐसे होंगे कि जो नेता भ्रष्ट था जिसपे अनेकों प्रकार के चार्ज थे, बीजेपी में जाते ही वो पाक साफ हो जाता है, मतलब आप अगर ये देखिए, ये तो इंटेंशनली है ना। दूसरा ये है कि इनके पास एजेंसियां तो पहले भी थी, कांग्रेस ने क्या मना किया था कि आप जांच मत कीजिए या जांच अधूरी कीजिए या जांच कमजोर कीजिए, ये किसने रोका, आपके पास सारी एजेंसियां लगा दी तब भी आपको कुछ नहीं मिला, आपके आपकी सरकारें और आपके नेताओं की तरफ अगर ये उंगली उठा दी जाए तब क्या होगा, वहां पे तो कोई चीज नहीं होती है,
अगर सरकार जो अजीत पवार जी जो सबसे भ्रष्ट जिनको कहते थे इन्हीं के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी सब कहते कि ये सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, सबसे भ्रष्ट मंत्री है, जब उनकी उनके पाले में चला गया तो सबसे ईमानदार हो गया फिर। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास अपने आप में बेसिकली है ही कुछ नहीं है, ये सरकार अपने आप में निर्णय लेने की स्थिति में। आशीष चतुर्वेदी जी ये बताइए कि आप जो पीएचडी मंत्री और जिन पर भी आरोप लगा रहे हो क्या उनको पार्टी में अपनी शामिल करना चाह रहे हो क्या? अगर मैं बीसीबी यादव साहब की बात को समझ रहा हूँ तो अकाउंटेबिलिटी उसकी क्या होती है जो निर्णय लेने में सक्षम हो, निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। रविंद्र जी मैं जवाब देता हूँ, प्रॉब्लम यह की निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? विधानसभा में भी उत्तर तब देंगे जब वहां से ऊपर से आदेश आएगा कि इस तरह का उत्तर दो। तो जिस सरकार का अपना कोई एजेंडा ही नहीं हो, सब कुछ ऊपर से ही तय होना है, तो राजस्थान की जनता ओल्ड पेंशन स्कीम पे आप नहीं देख रहे हो क्या हुआ? सीबी यादव जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप जरा सुनिए जो सवाल आपने उठाए उसका जवाब आशीष चतुर्वेदी दे रहे हैं। करना चाहते हैं ये जगजाहिर हो गया है। देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं में नेताओं में इतना धैर्य नहीं है और साहस नहीं है कि उनके कारनामों को उजागर कर पाए, इसलिए वो इस तरह से इधर उधर की बातें करके जो है ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मैंने तो ट्रांस रविंद्र जी, अरे सुनिए ना, सुनिए ना, आपका टर्न हो गया ना, सुनिए ना, आप धैर्य से सुनिए, अरे सुनिए तो सही रविंद्र जी आप देखिए सुनी नहीं रहे। बोले आप आशीष जी, रविंद्र जी, ईडी ने जो कार्रवाई की जे मिशन में राजस्थान में, उसमें 11 करोड़ का कैश पकड़ा गया, 6 करोड़ का गोल्ड पकड़ा गया जो ऑन रिकॉर्ड है, तो क्या ईडी को नहीं आना चाहिए? क्या सीबीआई को और आईटी को नहीं आना चाहिए? देखिए ये क्या है, भ्रष्टाचारी लोग हैं। आपको ध्यान होगा अभी थोड़े दिन पहले झारखंड में कार्रवाई हुई, इनके सांसद के यहाँ पे 354 करोड़ रुपए मिला, जो देश के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी है। ये कांग्रेस के सांसद हैं, मतलब ये किस मुंह से भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे ईडी क्यों नहीं आनी चाहिए, सीबीआई क्यों नहीं आनी चाहिए? आपने अगर भ्रष्टाचार किया है तो आपको बोलना चाहिए ना, आपकी सरकार ने आते से सीबीआई की एंट्री बंद की, क्योंकि इनको पता था कि हमको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े स्ट्रक्चर तरीके से यहाँ पे करप्शन करना है। अब जब जांच चलेगी तो पड़ते नहीं, उन्होंने एक आरोप और लगाया आशीष जी, उन्होंने कहा दिल्ली से जब कहा जाएगा तभी जवाब दिया जाएगा। नहीं, कौन सा जवाब दिया जाएगा, दिल्ली की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं नहीं, उन्होंने बोला ना कि जो कुछ भी कर रहे हैं आप दिल्ली के इशारे पर ही कर रहे हैं, और आज तो ये पर्ची की सरकार को लेकर यहाँ पे नारेबाजी भी सदन में, ये ऑन रिकॉर्ड है। अरे अरे भाई, इनकी फर्जी सरकार थी, इनकी तो फर्जी सरकार है। आप मुझे बताइए, पर्ची की सरकार करते हैं रविंद्र जी, मैं आपको बता देता हूँ, तेलंगाना में इनकी अभी सरकार बनी, वहां पे जो मंत्रिमंडल कौन होगा, मंत्रिमंडल का विभाग कौन होगा, ये एआईसीसी जारी करता है, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकारी नहीं है, आपके एआईसीसी ने जारी किया है, और आप प्रश्न उठा रहे हैं। यादव जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं अपने दोनों बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, जल्दी यादव जी। मैं सिंपल, आप एज ए डिबेट में जो सवाल रखे गए उन सवालों का जवाब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अजीत पवार जी के खिलाफ ईडी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? शुभेंदु अधिकारी के तो इतने चार्जेस थे ना आपकी की सरकार ने, उनके वहां ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जा रही है, ये सवाल तो होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में आपकी रैंकिंग क्यों गिर रही है, इसका जवाब तो आना चाहिए। कर्नाटक के अंदर करप्शन का बेटा पाया गया, उत्तर जांच नहीं हुई, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 300 करोड़ की आपकी जो पूरी पूरी पकड़ी जाती है उस पर कार्रवाई नहीं होती है? मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका करप्शन का जो इश्यू है वो सिलेक्टिव है, आपका देखने का नजरिया बिल्कुल। आशुतोष जी से मैं बात करूंगा और उनसे समझूंगा। आशुतोष जी, आज जब प्रश्नकाल में मुद्दा उठा तो प्रश्नकाल इसी पीएचडी के हंगामे की भेंट चढ़ गया, कांग्रेस के विधायकों को वेल में आना पड़ा, या कहें कि वो वेल में आ गए। ये जाहिर तौर पर सिलेक्टिव टॉपिक पर सिलेक्टिवली राजनीति हो रही है या इसमें गंभीरता है? देखिए रविंद्र जी, आज जो राजस्थान विधानसभा में हुआ वो हमको एक स्वाभाविक तौर पर नजर आने वाला दृश्य है, और हमको लगभग 5 साल में, अगले 5 साल तक लगातार इस तरह के दृश्य देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक बड़े बहुमत के साथ, एक बड़ी संख्या के साथ विपक्ष में है। यहाँ पहली बार की तरह एक कमजोर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन अब बात जब जेजेएम की हम करते हैं, जनजीवन मिशन के घोटाले की जो बात करते हैं, तो इस पर ईडी कार्रवाई कर रही है, और ईडी केवल कार्रवाई नहीं कर
कर रही है। ईडी ने रिकवरी की है, पैसे के तौर पर रिकवरी की है, गोल्ड के तौर पर रिकवरी की है, डॉक्यूमेंट्स के तौर पर रिकवरी की है और कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की रिकवरी की है और उसके बेस पर ईडी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। आज जब विधानसभा में यह भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की तरफ से पूछा गया कि उस पर और आगे क्या हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार से ज्यादा इस समय हमको जांच एजेंसियों का रुख देखना पड़ेगा कि जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, क्या उनको वाकई कुछ सबूत मिल रहे हैं जिनके बेस पर वो काम कर रही हैं, क्योंकि सबूत मिले हैं यह तो अभी तक जो ईडी ने बताया है, ब्रीफ किया है, उसके हिसाब से तय है। लेकिन हालांकि हमको इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ईडी का कन्वेंशन रेट कितना है, कितने लोगों को फाइनली दोषी सिद्ध कर पाई है, क्योंकि इस तरह के आरोप जिस समय वसुंधरा राजे सरकार राजस्थान में थी तब अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन 5 साल के अंदर सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी। यहां सरकार को क्लीन चिट नहीं देनी है क्योंकि कार्रवाई ईडी कर रही है और सरकार का रुख स्पष्ट है कि अगर ईडी की कार्रवाई में भी कुछ नहीं पाया गया तो हम सीबीआई के पास जाएंगे। तो अगले 5 साल हमको ऐसे दृश्य देखने मिलने वाले हैं क्योंकि यहां कांग्रेस भी मजबूती के साथ विरोध करती हुई भारतीय जनता पार्टी का नजर आएगी। राजीव जैन जी, जो आरोप कांग्रेस का है कि चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से ये ईडी सीबीआई कर रहे हैं, आपको उसमें ज्यादा वजन लगता है या कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी को लेकर एक विक्टिम कार्ड प्ले कर लिया जाए और बता दिया जाए कि देखिए हमारी सरकार चली तो ये राजनीति कर रहे हैं और सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं। राजीव जैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल रविंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जल जीवन मिशन वाले मामले में ये विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले 6 महीने पहले से ये कार्रवाइयां शुरू हो गई थी जल जीवन मिशन को लेकर। उससे पहले मैं राज्य की एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी इस मामले को अपने हाथ में लिया था, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी की थी, तो काफी दस्तावेज उस समय मिले थे। अब जब नई सरकार आ गई है तो निश्चित तौर पर देखिए कि आप वो जो दस्तावेज और काफी जो सबूत जो चीजें होती हैं जो मौजूदा सरकार अब ईडी को दे रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करती है। अब करप्शन का जो मामला है, करप्शन में जिस तरीके का अपराध हुआ होगा तो उसमें आने वाले समय में सीबीआई इसको अपने हाथ में ले सकती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि ईडी जो है वो प्रवर्तन निदेशालय सिर्फ एसओजी तो कर रही है जांच, सर एसओजी कर रही है अभी जांच इस मामले की। एसओजी भी कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो भी कर रही है, एसीबी मामला दर्ज है, एसओजी जांच कर रही है। हाँ, तो लेकिन ये अल्टीमेटली ईडी भी इसकी जांच कर रही है और उसके बाद आप ये देखिएगा कि आने वाले समय में ये निश्चित तौर पर ये मामला सीबीआई के हाथ में जाएगा जी। क्योंकि इसमें करप्शन तो हुआ ही है, क्योंकि पूरे देश भर में राजस्थान सबसे निचले पायदान पे है जल जीवन मिशन में। जो हर घर जल नल योजना थी है वो इसी से जुड़ी हुई है, तो हर घर में नल पहुंचना था, पानी पहुंचना था यानी कि, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ढिलाई बरती गई राजस्थान में पिछली सरकार के समय। और जो जो देश भर का जो एक रेशो है उसमें अपने प्रदेश का जो निम्न स्तर पर है, सबसे आखिरी पायदान पर है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई हैं या घोटाले हुए हैं या उनकी तो अब जांच ही होगी, घोटाले या करप्शन की। ईडी ने जो पिछले जलदाय मंत्री थे और जो ACS जलदाय थे उच्च स्तर पर भी उनके यहाँ पे भी छापेमारी की है, तो कुछ ना कुछ सबूत तो उन्होंने जुटाए होंगे। तो निश्चित रूप से अब सरकार बदली है, सरकार दूसरी आई है जो उस मुद्दे आशीष जी, देखिए आशीष जी, मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि आपने कहा सरकार बने हुए भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन लोग धैर्य ना खो जाएं, लोग ये समझें कि जो आरोप बीजेपी ने भ्रष्टाचार के लगाए उस पर कार्रवाई हुई ही, चाहे वो आरपीएससी पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के अलग अलग विभागों के मामले हों, उसको चुनावों के मद्देनजर ना देखा जाए, उसको ये ना देखा जाए कि अभी देखिए लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और जब विधानसभा चुनाव थे उससे पहले ईडी सीबीआई की एंट्री होती है, आईटी की एंट्री होती है, चुनाव खत्म, खेल खत्म। रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केवल यही JJM ही नहीं, राजस्थान में जिन भी विभागों में इस तरह के भ्रष्टाचार हुआ है राजस्थान की सरकार एजेंसियों को खुली छूट देगी और किसी तरह कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा और हम इनको अंजाम तक लेकर के जाएंगे कि जो भी कल्प्रिट है। देखिए कॉमन कंसेंसस होनी चाहिए ना रविंद्र जी इसको लेकर के, तो अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए कि उसको कोई लूट की छूट मिले। आप मान के चलिए चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, अगर किसी भी स्तर पर यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कठोर कार्रवाई करेगी और हमको ऐसा लगेगा कि इसमें सीबीआई की और सीबी यादव जी जितने भी मामले चल रहे हैं हम जेजेएम, क्या आज आप यहां इस मंच से ये कहेंगे कि आप अपने पूर्व मंत्रियों के, अपने पूर्व जितने भी इन्वॉल्व थे कांग्रेस के लोग सरकार चलाने में, उन सबके साथ खड़े हुए हैं और कल अगर कोई आरोप लगता है, कोई दोष सिद्ध होता है तो तब भी आप उनके साथ रहेंगे, क्योंकि ये तो राजनीति से प्रेरित है? पहली चीज तो देखिए, जेजेएम मिशन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसकी मॉनिटरिंग एजेंसी भी। अरे सर, सेंट्रल मॉनिटरिंग स्कीम आप बात कर रहे हैं तो सेंट्रल से परमिशन मिले बिना लिए काम किया गया है? हाँ, नंबर एक चीज मैं जो बता रहा हूँ आपने देखा होगा, एग्जीक्यूशन एजेंसी तो स्टेट गवर्नमेंट है रविंद्र जी, लेकिन मॉनिटरिंग एजेंसी सेंटर है, गवर्नमेंट है स्कीम, मॉनिटरिंग एजेंसी तो सेंटर है ना आपके, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, मॉनिटरिंग एजेंसी कौन है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार तो एग्जीक्यूशन में हुआ है, आप भ्रष्टाचार तो एग्जीक्यूशन में, गुमराह तो आप कर रहे हैं, अरे गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, बताइए एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, बताइए ना एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? ये जो सीएजी नामक संस्था बैठाई थी हमने, आप वो सीएजी पिछले 9 साल में गया कहां? आपने सारी संस्थाओं को पंगु कर दिया जो करप्शन के, तो आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं बताइए, फिर आप कर क्या रहे हैं बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव के अंदर आपके मंत्री जी जो अभी किरोड़ी लाल मीणा जी जो लॉकर खोल के कहते थे कि 500 करोड़ निकलेंगे, इतने सोना निकलेगा, अरे वो सारी चीज आप जब कह रहे हो तो उसको प्रमाणित भी तो करो। अरे यादव जी, जो निकल रहा है उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, जो नहीं निकला उस पर आप यहाँ पर सवाल उठाए, मुझे ये बताइए रहे नहीं, आप मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, क्या आज की तारीख में आप अपनी पिछली सरकार के आप खड़े हुए हैं, अगर कोई घोटाला सामने आता है, अगर उसका दोष सिद्ध होता है, तब भी आप ये कहेंगे कि नहीं ये राजनीति से प्रेरित है? यादव जी मेरे एक छोटा सा जवाब दीजिए प्लीज। राजनीति से अजीत पवार पे तो दोष सिद्ध हो चुका था ना, आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए, वो पाक साहब कैसे हो गया, शुभेंदु अधिकारी पर तो दोष सिद्ध हो गया था ना, आप बता दीजिए उनको, कैसे आप बता देना उनको, आपका आपका इंटेंशन कोई करप्शन के, अजीत पवार पर दोष सिद्ध हो गया था तब भी अपनी गोदी में बैठा गए आप ही लोग बैठे हुए थे, विपक्ष को दबाना और विपक्ष महाविकास अघाड़ी में, कभी आपने शरद यादव शरद पवार जी से आके बोला था कि उनको हटा दीजिए, निकाल दीजिए पार्टी से? लास्ट में आशुतोष रावत सर, मुझे बताएं कि क्या बीजेपी को या बीजेपी की सरकार को, जैसा मैंने कहा कि लोगों के धैर्य की परीक्षा ना लेते हुए जो मामले हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी ही होगी, ग्राउंड पर दिखना होगा, दिखाना होगा? देखिए रविंद्र जी, सरकार को काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, लेकिन तमाम भ्रष्टाचार और अन्य तरह के आरोप हैं उस पर सरकार से ज्यादा जांच एजेंसियों को काम करना है, सरकार को उसको फ्री हैंड देना चाहिए और वो सरकार ने आते ही पहले दिन दिया है, तो मुझे लगता है कि सरकार जो कर सकती है वह कर रही है, अब जांच एजेंसियों के ऊपर डिपेंड निर्भर। राजीव जैन सर, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसी तरह से हंगामेदार रहेगा आपको लग रहा है अब आगे भी? बिल्कुल हंगामेदार रहेगा, मैं भी रोज विधानसभा कवर कर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि इस बार विपक्ष में, विपक्ष की जो संख्या जैसे आशुतोष जी बता रहे थे कि पिछली बार से ज्यादा है, वो नहीं है, पिछली बार भाजपा के 73 थे और कांग्रेस के इस वक्त 69-70 सदस्य हैं, लेकिन उसको अनुभवी सदस्य हैं कांग्रेस के जो काफी वरिष्ठ है और अनुभवी है उनको विपक्ष में, तो निश्चित रूप से वो सरकार को घेरने में कहीं ना कहीं कामयाब होंगे और निश्चित रूप से ये हंगामेदार होना भी लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि सरकार अपने काम को आगे बढ़ाती है तो विपक्ष भी अपने तरीके से जनहित के मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरने का काम करती है, आरोप चाहे एक दूसरे पर लगे लेकिन उसका जवाब भी उसी तरह से तथ्यात्मक होना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे की सदन की कार्यवाही कैसी चलती है और आरोप प्रत्यारोप का जो जांच का खेल या कहें कि जांच चल रही है घोटालों को लेकर, कथित घोटालों को लेकर, उसका नतीजा कब तक सामने आता है? फिलहाल प्राइम डिबेट में आ जाए।